हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मैं शिवांश भसीन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक साल में पैसा दोगुना, एक स्टॉक और 100% रिटर्न। जी हाँ गाइस, एक कंपनी है सिर्फ एक साल में दोगुना पैसा करने तक का दम रखती है। मैं गाइस आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैं ज्यादातर फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे जाऊंगा। सिर्फ मैं चार्ट्स की स्टडी जो मैं करता हूँ, मैं उसको फॉलो करके जो मेरे को एक प्रोसीजर जो पता चला है, मैं उसके बेसिस पे आपके पास आया हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फंडामेंटल पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ हम थोड़ी डिटेल पे बात कर लेंगे कि क्या फंडामेंटल पे थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर हम उसके बाद चार्ट्स पे बढ़ेंगे। भाई, सबसे पहले अगर मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूँ तो ये स्टॉक है GNFC। जी हाँ, GNFC कंपनी है, और GNFC कंपनी की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। सो गाइज, ये कंपनी है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग में काम करती है, और मैन्युफैक्चर जो मार्केटिंग करती है वो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख पा रहे होंगे, ये इन प्रोडक्ट्स पे मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है एक तरीके से, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो पहला जो प्रोडक्ट है वो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है, केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, और इनके खुद का आईटी डिपार्टमेंट है, एक खुद का आईटी डिवीजन है जो जिसको हम कोड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सो इन ज़्यादातर इन तीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे ये बिजनेस काम करती है। और अगर हम बात करें कि ये जो बिजनेस, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कैसे आई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये GNFC एक जॉइंट वेंचर इंटरप्राइज है। किसकी जॉइंट वेंचर इंटरप्राइज है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड GNFC GSFC। जैसा कि आप पता होगा कि GSFC भी एक कंपनी है जो कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल है, ये कंपनी भी लिस्टेड है। तो जॉइंट वेंचर बना के ये कंपनी को वो आई थी, कंपनी सेटअप हुई थी 1976 पे। सो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और GSFC का जॉइंट वेंचर था इस कंपनी पे। अगर हम बढ़ते हैं कि इस कंपनी के, अगर हम थोड़े बहुत फंडामेंटल की बात कर लेते हैं और फंडामेंटल्स पे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आपको मार्केट कैप दिख रहा होगा, और मार्केट कैप पे आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है अराउंड 2639 7.76 करोड़ का। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो गाइज, ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल कैप है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है अगर हम बात करें GNFC, और इसका मार्केट कैप है 26.23। सो गाइस, बहुत बढ़िया मार्केट कैप है अभी जो ये काम कर रही है। प्राइस प्राइस में आप ये आपको बताते हैं तो बहुत बढ़िया इसका ईपीएस है। पीई रेशियो की बात करते हैं तो पीई रेशियो 6.48 है, और अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करते हैं तो 20 है। सो गाइस, इसके मुकाबले यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दूसरी बात, कम सेक्टर पे जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग, ये उस सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर सेक्टर की वैल्यूएशन चेक करें उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर ये कंपनी बहुत सस्ती है और बाय करने के लिए है GNFC। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज गाइस, बुक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बुक वैल्यू दिखा रहा है आपको 321.31, यानी कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इसमें भी बताया था कि बुक वैल्यू क्या था, कि एसेट लाइबिलिटीज का डिफरेंस करके बुक की वैल्यू एक निकलती है जिससे हम शेयर प्राइस को कम से डिवाइड करते हैं, और एक एक्चुअल वैल्यू निकलती है कि एक्चुअल में बुक के हिसाब से, कंपनी की बुक्स के हिसाब से क्या एक्चुअल शेयर प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए थी। तो वो निकल के आ रही है गाइस 321, और शेयर काम कितने पे कर रहा है गाइस, आप चौंक जाएंगे, काम कर रहा है 170 रुपये में। हाँ गाइस, 170 रुपये इसका CMP है, करंट मार्केट प्राइस, और बुक वैल्यू के हिसाब से क्या दिखा रहा है कि 320 तक जा सकता है, यानी कि 90% तक बढ़ने की अपसाइड है बुक वैल्यू ऐसा बता रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो वो 1 रुपये से कम है, और अगर 1 रुपये से या 50 पैसा के पास होता है तो वो कहता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ती है, यानी कि चीप है। तो गाइस, कंपनी की वैल्यूएशन चीप है, सस्ते में मिल रहा है, 170 रुपये का CMP है, बुक वैल्यू बता रहा है कि 350 या 320 तक इस कंपनी की जाने की अपसाइड है। फंडामेंटल हमें सारी चीजें बता रहे हैं। साइड बाय साइड अगर आप डिविडेंड यील्ड चेक करते हैं गाइस, अगर आप डिविडेंड यील्ड चेक करेंगे तो देखिएगा 4% का तो डिविडेंड यील्ड खुद ही दे जाती है ये, तो हम मान के चलते 5% तो अपने CMP से खुद ही डिविडेंड ये दे रही है। ये सारी चीजें गाइज हमने आपको बता दी है। CMP कह रहा है, बुक वैल्यू कह रही है कि गाइज हमें 320 तक ये जा सकता है, और आप ये कह रहा है कि अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो बता रहा है गाइज कि ये चीप है।
तो अब हमें 170 पे अगर ये प्राइस ट्रेड कर रहा है, अगर ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो इसके जाने की कहाँ तक अपसाइड है, अब हमें वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे क्या राइट टाइम है बाय करने का और किस तरीके से हमें अपनी पोजीशन बनानी है, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉसेस है। तो फंडामेंटल पे मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसे से आपको एक टाइम के लिए बता दिया कि ये 320 तक हमें बुक वैल्यू बता रही है, हमें सस्ती बता रही है। अब ये कहाँ तक जा सकता है उसके बेसिस पर हम चार्ट पे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं चार्ट पे आ चुका हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चार्ट मैं आपके लिए पहले से बना रखा हूँ। तो ये चार्ट के पहले से ही आपको पता होगा कि ये बुलिश बैट पैटर्न है और बुलिश बैट पैटर्न के बारे में आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा। सो ये बुलिश बैट पैटर्न है और बुलिश बैट पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन आ रही है गाइस 115 रुपये में, ये लाइन है 115 रुपये में, यानी कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 170 रुपये में और ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है, ये सपोर्ट लाइन आ रही है 115 रुपये में, यानी कि ये हमारा एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे गाइस स्टॉप लॉस तो बहुत डीप है, स्टॉप लॉस तो हमारा कम से कम 55 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा डीप है। गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ये मंथली चार्ट ओपन करा हुआ है, मंथली चार्ट है ये, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितने टाइम से एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, यानी कि 2 से 2.5 साल तक ये इस रेंज के अंदर काम करते रहा और अचानक जब इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट हर्डल अगर कभी भी इसके पास आता है तो 115 रुपये का होगा और ये सपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। अब आप देखिएगा कि मैंने इसी लेवल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स बना हुआ है, इसी लेवल से ही मैंने अपनी वो स्टार्ट करी है बैट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यही लेवल है जिस लेवल से मैंने अपने बैट पैटर्न को स्टार्ट करा है। जब मैंने बैट पैटर्न बनाया और जब मैंने यहाँ पर अपने लेवल को छुआ तो मुझे पता चलता है गाइस कि ये तो 886, यानी कि आप यहाँ देख रहे होंगे क्या लेवल निकल गया है, 904 का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बैट पैटर्न की कंफर्मेशन कब आती है, जब ये 8.886 होता है, यानी कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 से 3 रुपए का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर अभी 170 में काम कर रहा है तो वो 172 173 पे काम करता है। तो एग्जैक्ट यहां पर हमने इस लेवल पे हमने अपनी बाय को पकड़ लिया है, हमने ना ऊपर पकड़ा, ना इस लेवल पे पकड़ा, ना इस लेवल पे पकड़ा, हमने एग्जैक्ट बॉटम पे ही इसको बाय कराया है और पकड़ लिया है गाइस। तो अभी भी हमारे लिए ये एक बाय बन सकता है। सो अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ गाइस, तो आप एक बार जूम करके देखिए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये एक बाय बन रहा है, ये देख सकते हैं एग्जैक्ट इस लेवल से अब ये बाय बना। और ये जो अगर हम लेवल की बात करते हैं तो गाइस ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड, अगर हम मान के चले 155 रुपये का, ये जो लेवल है गाइस वो 155 रुपये का लेवल है। ये जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं 155 रुपये से ये 170 रुपये भाग चुका है, हम कह सकते हैं कि ये 10% की मूव तो आराम से दे चुका है। और गाइज ये वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी लेट बना रहा हूँ, पर इसमें मैंने अपनी पोजीशन स्टार्ट कर दी थी, पर जब मैंने कंपनी की रिसर्च करी, थोड़ी और स्टडी करी, तो मुझे पता चला कि हाँ ये कंपनी आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए अच्छी है, क्योंकि गाइज मैं तो बाय कर सकता हूँ क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मेरा होगा और जिम्मेदारी सारी मेरी है। पर गाइस जब मैं आप लोगों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो 5% जिम्मेदारी भी मेरी होती है, हो जाती है कि मैंने आप लोगों को वो रिकमेंड करा। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत फंडामेंटल्स देखे, थोड़े बहुत चार्ट्स की स्टडी करी और आपको लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब गाइस अब हम आपको बात करते हैं कि इसकी अपसाइड क्या है। उससे पहले मैं आपको एक वीकली चार्ट में लेकर जाना चाहता हूँ और वीकली चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि एक तरीके का यहाँ पर एक हैमर पैटर्न हुआ है और आप लोगों को पता है हैमर पैटर्न एक बॉटम पे ही बनता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हैमर पैटर्न है और आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, एक सेकंड वेट करिए, ये देख सकते हैं ये एक हैमर पैटर्न है, हैमर पैटर्न इसने वीकली चार्ट पे बनाया। हम देख रहे हैं कि एक बहुत टाइम से इसमें एक गिरावट आ रही थी, इस लेवल से हम देखते थे एक गिरावट आई, एक हैमर पैटर्न टाइप डेवलप करा है और यहीं पर ही हमारा जो पैटर्न था एग्जैक्ट यहीं पर ही हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसने हैमर पैटर्न बनाया और इसी तरी लाइन पे ही हमारा जो पैटर्न था वो कंप्लीट हुआ है। तो अब हम बात करते हैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस की और उसके बेसिस पे ही फिर हम अपना जजमेंट लेंगे। सो गाइस जब मैंने आपको बोला कि एक साल में पैसा दोगुना, तो आप देख रहे हैं जो एक कैंडल है वो एक कैंडल है कम से कम महीने की, एक कैंडल एक महीने की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीछे का बस एक लेकर चलते हैं, हम इस लाइन से देखते हैं ये जो कैंडल बनी है, इस लाइन से हम 12 कैंडल गिनते हैं क्योंकि वो एक साल हो जाएगा।
इसका टॉप है गाइस 500 रुपीज का। तो 1, 2, 3, 4 अराउंड हम बोलते हैं कि इस लेवल पे आती है, ये 12th कैंडल कंप्लीट होती है। तो इसका जो बॉटम है गाइस वो 230 का, यानी कि 250-270 पॉइंट्स का डिफरेंस है एक साल के अंदर, इसने डाउन साइड दे दी है। अगर हम बात करते हैं कि एक महीने में एक बार तो इसने अपसाइड दे दी थी 300 से लेके 550 की, एक महीने में ये 250 पॉइंट भी भाग चुका है ये स्टॉक। तो गाइस इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अपसाइड बहुत है अगर हम बात करें, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे खासे रिटर्न देकर जा सकता है। अब हमें बात क्या करनी है कि हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए। तो गाइस टारगेट और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं, तो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टारगेट है ग्रीन कलर की जो आप बॉक्स देख रहे हो, रेड कलर का स्टॉप लॉस है, यानी कि स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना है वो आपको 115 रुपये में ही करके रखना है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस कम से कम 55 रुपये नीचे होगा। अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की, तो टारगेट पे मुझे अपसाइड लगती है कि ये पर्टिकुलरली जो स्टॉक है वो 618% रिट्रेसमेंट लेवल तक जा सकता है, जो कि ये लेवल आप देख रहे होंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर। यही पैटर्न का टारगेट है, यही पैटर्न का हम मान के चलते हैं एक्सट्रीम टारगेट होता है। तो हम बोल के चल रहे हैं कि यहाँ तक ये पर्टिकुलर जा सकता है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हमने आपके लिए एक पोजीशन बना रखेगी बाय और सेल के लिए, तो आप देख सकते हैं कि 34% का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 34% डाउन साइड है जहां पर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन हो सकता है, और आपका जो टारगेट है वो गाइस टारगेट कम से कम 100-120% तक का टारगेट है, यानी कि यहां से आप 200 पॉइंट तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि आपको दिखा सकता है। कोई भी आपको 170 से लेके और 115 के बीच में, मैं आपको ये तक कह रहा हूँ 170 से लेके 115 रुपए के बीच में आपको कभी भी ये स्टॉक मिल जाए, आप एक्यूमुलेट करते रहिए, बाय करते रहिए, और छोटी छोटी अपने हर महीने एक SIP के थ्रू इसको बाय करते रहिए। रेंज बता देता हूँ 170 रुपए से 115 रुपए के बीच में गाइस, और इस स्टॉक को एंजॉय करिए। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो पे है, मैंने अपनी बाय पोजीशन स्टार्ट कर दी थी इसको 155 रुपए से, और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक पिछला स्टॉक बनाया था अरविंद, जो कि एक आपके लिए दूसरा मैंने एक पेनी स्टॉक आपके लिए लेकर आया था, उस पे भी सेम ऐसे पैटर्न्स बने थे, उसके टारगेट स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिए। तो गाइज ये वीडियो कि आपको यहाँ पर एंड पे वीडियो यहाँ पर शो कर जाएगी, उस वीडियो को भी जाके आप जरूर देखिएगा, और यहाँ पर आपको देख रहे आई का ऑप्शन आ रहा है, तो आप आई के बटन पे भी क्लिक करके यहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइज वो पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको करोड़पति बना सकता है, तो इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीजें हमने आपको उस वीडियो में बता रखी है, जाके एक पेनी स्टॉक है, जाके सर्च करिए हमारे चैनल पे और जाके जरूर देखिएगा। सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और ये जो हम सीरीज आप लोगों के लेकर आ रहे हैं गाइस, इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो गाइस अब आपको जो, तो गाइस हम आपके लिए ये वीडियो अभी एंड करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे।